हेलो गाइस, दिस इज राशि राजपूत फ्रॉम लिविंग द लाला लाइफ। सो आज हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि SCI ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड फिल द फॉर्म राइट अवे। हमने एक पूरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई है ऑन हाउ टू फिल द फॉर्म, सो आपके जो भी फर्दर डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। 1, 2, 3, फक इट। Got it guys, now let's start with the process of SCI का form filling. So SCI का form filling में जब भी आप video के नीचे जो link रहेगा description में, आप वो जब click करोगे तब already उनके ये page पे आ जाओगे, form filling के page पे. So यहाँ पे आपको heading पे दिख जाएगी कि fill the application form given below, DNS batch 65 nautical science diploma DNS. So first thing आता है हमारा सबसे basics, हमारी information, personal information, that is your name, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, एज आपको इंक्लूड करनी है, ब्लड ग्रुप आपको डालना है, जेंडर, ऑल्सो या ईमेल आईडी शुड बी देयर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, मदर टंग, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी। सो पैन कार्ड भी यहाँ पे मैंडेटरी इन्होंने दिया गया है कि आपको पैन कार्ड नंबर भी डालना है, एंड जो भी स्टार से मार्क्ड है वो सब तो आपको फिल करना ही करना है, इवन दो यू डोंट पुट योर मिडिल नेम और लास्ट नेम, but rest all things you have to put over here. So next आती है हमारी physical details, that is आपको डालना है आपका height and weight. फिर आता है हमारी parents की information, so उसमें आता है name, occupation, यानी कौन से company में वो काम कर रहे हैं, designation क्या है उनका, email, income, mobile number, and next आता है हमारी mother's details. So वो सब भी same रहेगा, आपको वही सब उस पर भी डालना है, like जो भी occupation या company में वो काम करते हैं. देन आपका रहता है परमानेंट एड्रेस, सो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, एंड देन जस्ट आपको सेम रहेगा तो क्लिक हियर फॉर द करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो पूरा कॉपी हो जाएगा. फिर आपको आपके पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, एंड वैलिड अप टू. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ मैंडेटरी, यहाँ पे दिया नहीं गया है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी इफ़ यू डोंट हैव, आपको जस्ट ये ब्लैंक छोड़ना है, बट पासपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको जल्दी से जल्दी एटलीस्ट अप्लाई कर लेना चाहिए बिफोर योर बैच इवन स्टार्ट्स, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन आता है आपको हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, सो आपको यहाँ पे डालना है क्लास 10th का ईयर ऑफ जॉइनिंग, रिजल्ट स्टेटस यानी कि इज़ इट डिक्लेयर्ड और नॉट, देन ईयर ऑफ पासिंग, इंग्लिश परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज. देन आपको डालना है स्कूल, कॉलेज एंड बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपका कौन सा बोर्ड था, फॉर एग्जाम्पल मेरा बोर्ड था महाराष्ट्र बोर्ड, सो आपका बोर्ड कौन सा था आपको वो पुट इन करना है. सो यहाँ पे 10th का मैंडेटरी है एंड 12th का भी आपको डालना है यहाँ पे 12th/diploma. फिर आता है PCM परसेंटेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे डालना है. देन कम्स योर IMU डिटेल्स, सो एज यू ऑल नो कि IMU CET एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी एंड वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे अगर आपको उसकी डिटेल्स भी जाननी है तो. सो IMU CET का भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा बिफोर फिलिंग SCI का फॉर्म, बिकॉज IMU CET रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ पे कंपल्सरीली डालना है, और टिकट एंड रैंक तो अभी तक आई नहीं है बिकॉज एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुई है, बट एटलीस्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पर डालना पड़ेगा. सो फिल दैट फॉर्म गाइज, IMU CET का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन फिल द SCI का फॉर्म. नेक्स्ट यू हैव टू पुट इन योर हॉबीज एंड अचीवमेंट्स, अदर अचीवमेंट्स, देन यू हैव टू डू अदर डिटेल्स दैट आई इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द कोर्स थ्रू, कि बैंक लोन लेंगे आप, रिलेटिव रिसोर्सेज लेंगे, या फिर कुछ अदर चीज़ से आप जो भी एक्सपेंस रहेगा कोर्स का वो फिल करोगे. फिर वेयर डिड यू हियर अबाउट द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सो आपने कौन से वेबसाइट पे क्लिक किया, या फिर आपको एस्पायरिंग माइंड किसी फ्रेंड्स या थ्रू वैसे टाइप्स आपको मिल गया, या फिर कोई इंटरनेट से मिला, साइट से मिला, शिक्षा करके भी साइट आती है उससे आपको मिला, आपको जस्ट इंक्लूड करना है. देन रेफरेंस अगर कोई रहेगा आपका SCI में तो यू जस्ट हैव टू पुट ओवर योर डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी नेम कौन सी है. देन अपलोड फोटो, देन आपको जो आपकी एक कोई भी फोटो चूज़ करनी है एंड वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट आपको अमाउंट पे करना रहेगा 500 rupees, जो भी हमारा एप्लीकेशन फीस है दैट इज़ 500 rupees जो आपको फिल करनी पड़ेगी.
सो आफ्टर यू सबमिट एवरीथिंग तो आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा। दिस इज द पेमेंट गेटवे, आप स्कैनर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 304 यहाँ पे बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन फीस है, पहले वो लोग ने 500 रुपीज़ डाला था, सो अकॉर्डिंगली 304 इज़ द फाइनल अमाउंट आपको वो एंटर करना है। एंड मोर पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे है, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वॉलेट एंड बैंक ट्रांसफर ऑल्सो, सो यू कैन चूज एनीथिंग। एंड आफ्टर दिस ऑल्सो आई एम श्योर कि आपको ई मेल भी आ जाएगा that payment and all is done, and further that after you just have to wait, आपको वेट करना है उनके फर्दर रिप्लाई के लिए कि एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बारे में। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी एंड आपके जो भी क्वेरीज थे अबाउट फॉर्म फिलिंग वो सब भी सॉल्व हो चुके रहेंगे। सो अगर फर्दर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली चेक इट आउट। I love you, I love you, I love you.